हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल डीजल ग्रिड थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में। इंजन में प्रयोग होने वाली बैटरी का पॉजिटिव प्लेट प्राय लेड परोक्साइड का बनाया जाता है एवं नेगेटिव टर्मिनल जो है लेड का बनाया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें प्रति दो साइकिल पर एक पावर स्ट्रोक होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में प्रति फोर साइकिल पर एक पावर स्ट्रोक होता है। टू स्ट्रोक इंजन में बाल्ब के स्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है जो पिस्टन की गति से बंद एवं खुलते ऊपर नीचे जाने की गति से। टू स्ट्रोक इंजन में तीन प्रकार के पोर्ट प्रयोग किए जाते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। बाल्ब का फेस एंगल सामान्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है। बाल्ब को खोलने का कार्य कैमशाफ्ट द्वारा किया जाता है। कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से चाल मिलती है और कैमशाफ्ट गियर क्रैंकशाफ्ट गियर से बड़ा होता है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट गियर से आधी गति पर घूमता है और क्रैंकशाफ्ट गियर में दांते भी कम होते हैं, आधे दांते होते हैं कैमशाफ्ट गियर। पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं कि पिस्टन के सबसे निचले भाग को स्कर्ट कहते हैं। पिस्टन की धातु प्राय एल्यूमिनियम अलॉय की होती है। पिस्टन इससे हल्का भी होता है और ठोस भी होना चाहिए क्योंकि पिस्टन पर पावर स्ट्रोक के समय बहुत ही प्रेशर से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए पिस्टन का ठोस होना बहुत ज़रूरी है और हल्का होना भी ज़रूरी है। टू स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन या मिश्र लुब्रिकेशन सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वायु यान में प्राय ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में प्राय दो प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, फुल फ्लो लुब्रिकेशन सिस्टम और बाईपास लुब्रिकेशन सिस्टम। फुल फ्लो लुब्रिकेशन में पूरा ऑयल जो है फिल्टर से होते हुए जाता है, जबकि बाईपास में ऑयल का कुछ ही हिस्सा ऑयल से फिल्टर हो पाता है और बाकी सब चला जाता है। फुल फ्लो लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल में किया जाता है। टर्बोचार्जर को इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं से चलाया जाता है, यानी इंजन की बेस्ट पावर से, क्योंकि सुपरचार्जर को इंजन की क्रैंकशाफ्ट से। टर्बोचार्जर का कार्य है इंजन को उच्च दाब पर हवा को कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजना, जिससे इंजन और ज़्यादा शक्ति उत्पन्न कर सके और एफिशिएंसी से कार्य कर सके। टर्बोचार्जर से जो गर्म हवा है उसको नॉकिंग की समस्या होने के लिए उसमें इंटरकूलर का प्रयोग किया जाता है। इंजन में प्रयोग होने वाले लाइनर प्राय दो प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप लाइनर और बेड टाइप लाइनर। जो ड्राई टाइप लाइनर है वो वाटर के संपर्क से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। वेट टाइप लाइनर जो है पानी से सीधे संपर्क में होते हैं, इसलिए इन्हें निकालना आसान होता है और ये अच्छा कूलिंग भी करते हैं पिस्टन को, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ड्राई टाइप लाइनर की तुलना में इनको निकालना भी सरल। लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। प्राय सभी प्रकार के इंजनों में इनलेट वाल्व का आकार बड़ा रखा जाता है। ये एक हमारी सामान्य मानव संरचना जैसा है, जिसे हमारा मुख गुहा बड़ा रखा जाता है। वाल्वों का अपने समय से पहले खुला वाल्व लीड कहलाता है। वाल्वों का अपने समय के बाद भी खुला रहना वाल्व लैग कहलाता है। जब दोनों वाल्व एक साथ खुले होते हैं तो उसे वाल्व ओवरलैप कहते हैं, और वास्तविक वाल्व टाइमिंग में वाल्व एक साथ खुले होते हैं कुछ समय के लिए, इसे ही वाल्व ओवरलैप कहते हैं। बात करते हैं आगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बात करें वाल्व की तो इनलेट वाल्व जो है निकल स्टील का बनाया जाता है। फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है 1, 3, 4, 2। ऑटोमोबाइल इंजनों में अधिकतर पॉपेट प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ये अपनी सीट पर प्राय पॉप करते रहता है, यानी ऊपर नीचे की चाल लेता है।